नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। जब किया मोटर्स भारत में आने वाली थी तब किसने सोचा था कि उनके पहले प्रोडक्ट को इतनी बेहतरीन सफलता हासिल होगी और वो देखते देखते ही टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में शामिल होकर सेगमेंट की नंबर 1 सेलिंग कार बन जाएगी। नंबर 1 बनने के कई सारे कारण थे, जैसे कि किया ने सेल्टॉस को कई सारे बेस्ट इन क्लास और बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ लॉन्च किया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये था कि जब सेल्टॉस को लॉन्च किया गया उस वक्त की सेगमेंट किंग क्रेटा ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी थी और उसे एक बड़े अपडेट की ज़रूरत थी। किया ने सही मौके का और सही समय देखकर कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ सेल्टॉस को लॉन्च किया और रिजल्ट आपके सामने हैं। इस सेगमेंट की कंपटीशन की आग को हेक्टर ने भी घी डालकर और भड़काया था, क्योंकि हेक्टर भी कई सारे फर्स्ट इन क्लास फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ लॉन्च हुई थी। और आज भी हेक्टर एक रिच लुकिंग मॉडर्न एज अप मार्केट कनेक्टेड कार है, जिसने टेक्नोलॉजी के मामले में कई नए हाई स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सेट कर दिए हैं। दोनों गाड़ियां अब BS6 में अवेलेबल हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। क्या हेक्टर सेल्टॉस से बेहतर प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि सेल्टॉस ही बेस्ट बाय प्रोडक्ट है? दोनों में से कौन सी कार ओवर प्राइस्ड है? किसकी वारंटी बेहतर है? कौन आपका आफ्टर सेल्स बेहतर ख्याल रखता है? आपके जहन में भी अगर ऐसे कुछ सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। जहां तक सेल्टॉस की बात है तो 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल टॉप एंड वेरियंट आपको मिलता है एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 13,09,000 रुपये तक। यही वेरियंट आपको सेम प्राइस में ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है। अगला है 1.4 लीटर GDI पेट्रोल टर्बो वेरियंट। आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये वेरिएंट 16,29,000 रुपये तक मिल जाता है और इस वेरिएंट में भी आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं डीजल की, तो 1.5 लीटर डीजल मैनुअल सेल्टॉस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 15,34,000 रुपये तक मिल जाती है। वही 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से सेल्टॉस आपको मिलेगी 16,29,000 रुपये तक। वहीं MG हेक्टर 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल में आपको टॉप एंड वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 16,54,000 रुपये तक की मिल जाती है, जो सेल्टॉस के पेट्रोल वेरिएंट से तकरीबन 25,000 रुपये से लेकर 3,45,000 रुपये तक महंगी आती है। नेक्स्ट इज 1.5 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से हेक्टर का ये वेरिएंट आपको 17,44,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि सेल्टॉस से लगभग
1,15,000 रुपए से लेकर 4,35,000 रुपए तक महंगा आता है। अब बात करते हैं डीजल के बारे में, तो 2 लीटर डीजल हेक्टर टॉप एंड वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 17,73,000 रुपीज तक, जो कि सेल्टोस से 1,44,000 रुपीज से लेकर 2,39,000 रुपीज तक महंगा आता है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या एमजी हेक्टर जो सेल्टोस से 25,000 रुपए से लेकर लगभग 4,35,000 रुपए तक महंगी आती है, क्या ये इस कीमत को जस्टिफाई कर पाती है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आई स्ट्रांगली फील कि हेक्टर को अपनी कीमतों में भारी कटौती करनी चाहिए अगर एमजी इस सेगमेंट पर राज करना चाहती है। अगर एमजी भारी कटौती नहीं कर सकती है तो कम से कम हेक्टर की कीमतों को सेल्टोस और क्रेटा की कीमतों के बराबर लाकर रख देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हेक्टर लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस हर चीज़ में सेल्टोस से काफ़ी बड़ी है। अब एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट कर, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि किया ने सेल्टोस के कर्व वेट के ऑफिशियल फिगर्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन अंदाजन सेल्टोस का वज़न लगभग 1,345 किलोग्राम से लेकर 1,510 किलोग्राम तक है। वहीं एमजी हेक्टर का वज़न 1,539 किलोग्राम से लेकर 1,687 किलोग्राम तक है, जिससे हम एक बेसिक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेक्टर की बिल्ड क्वालिटी सेल्टोस से काफ़ी बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो किया सेल्टोस में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं हेक्टर में आपको मिलेगा 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। जहां तक टर्निंग रेडियस की बात है तो किया सेल्टोस में आपको मिलता है 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं हेक्टर में आपको मिलता है 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में, तो सेल्टोस में आपको मिलता है 433 लीटर का बूट स्पेस और हेक्टर में आपको मिलता है 587 लीटर का बूट स्पेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूल टैंक, तो सेल्टोस में आपको मिलता है 50 लीटर का फ्यूल टैंक और हेक्टर में आपको मिलेगी 60 लीटर के फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो लगे हाथों माइलेज की भी बात कर लेते हैं। सेल्टोस आपको ऑफर करती है कंबाइन माइलेज 16 KMPL से लेकर 21 KMPL तक का, वहीं हेक्टर में आपको कंबाइन माइलेज मिलता है 14 KMPL से लेकर 17.41 KMPL तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो किया सेल्टोस और एमजी हेक्टर दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन्स के बारे में, तो किया सेल्टोस में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 115 PS की पावर जनरेट करता है 6,300 RPM पर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4,500 RPM पर। किया सेल्टोस में आपको एक और पेट्रोल इंजन मिलता है 1.4 लीटर GDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विथ 4 सिलेंडर, जो कि 140 PS की पावर जनरेट करता है 6,000 RPM पर और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 3200 RPM पर। वहीं हेक्टर में आपको मिलता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 143 PS की पावर जनरेट करता है 5000 RPM पर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1600 से लेकर 3600 RPM पर। डीजल में सेल्टोस में आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 115 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेके 2750 RPM पर। और हेक्टर में आपको मिलता है V8 Source 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 170 PS की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2500 RPM पर। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की, तो सबसे पहले एक नज़र डालेंगे दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, जो कि है दोनों गाड़ियों में कॉमन 17 इंचेस अलॉय व्हील्स। उसके बाद में दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटोफोल्ड ORVM विद टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, रूफ रेल्स दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएंगे, रियर स्पॉयलर विद शार्क फिन एंटीना आपको आ जाता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प, LED फ्रंट फॉग लैम्प्स,
LED DRLs और LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको एम्बियंट मूड लाइटिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन हेक्टर में आपको 8 कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्सस आपको मिलता है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब। उसके बाद में आपको 7 इंच की कलर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगी ड्राइवर के लिए दोनों ही गाड़ियों में। लेदर सीट अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। सनरूफ दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हेक्टर में आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, जबकि सेल्टॉस में आपको नॉर्मल रेगुलर सनरूफ मिलता है। उसके बाद में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग दोनों गाड़ियों में आएगी। क्रूज कंट्रोल का फीचर आएगा, रियर एसी वेंट्स आएंगे, रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर आएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, लेकिन हेक्टर में आपको ये 6 वे मिलती है, सेल्टॉस में आपको 8 वे मिलेगी। अगला फीचर है दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आपको ऑटो हेडलैम्प एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे, रियर वाइपर एंड वॉशर देखने को मिल जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। दोनों गाड़ियों में पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर अवेलेबल है। दोनों गाड़ियां आपको 10 इंच टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विथ मल्टीपल फंक्शंस के साथ आती हैं। दोनों ही गाड़ियां कनेक्टेड होने की वजह से बहुत सारे कनेक्टेड कार फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली हेक्टर में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा के साथ में आएंगी। दोनों गाड़ियों में आपको 8 प्रीमियम स्पीकर्स विद सब वूफर एंड एम्पलीफायर देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपके लिए अवेलेबल है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, उसके साथ साथ ABS प्लस EBD प्लस ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल फोर डिस्क ब्रेक और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर भी दोनों गाड़ियों में कॉमन आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेल्टॉस में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको हेक्टर में नहीं मिलेंगे, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो किया सेल्टॉस की फ्रंट प्रोफाइल में आपको एक LED स्वीपिंग लाइट बार देखने को मिल जाएगा। सेल्टॉस में आपको ड्यूल टोन एक्सटीरियर देखने को मिल जाता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको सेल्टॉस ऑफर करती है। सेल्टॉस में आपको पेडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेल्टॉस आपको ऑफर करती है UV कट सोलर ग्लास फॉर विंडोज एंड फ्रंट विंडशील्ड। सेल्टॉस में आपको वायरलेस चार्जर, रियर सनशेड कर्टन्स, एयर प्यूरीफायर, डे नाइट IRVM, वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इन सब के अलावा सेल्टॉस आपको मल्टीपल ड्राइव मोड जैसे कि नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड ऑफर करती है। उसके अलावा ट्रैक्शन मोड भी आपको सेल्टॉस में देखने को मिल जाते हैं, जो कि है स्नो, मड एंड वेट। लेकिन ये दोनों ऑप्शन, मल्टीपल ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन मोड्स, आपको केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सेल्टॉस आती है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर एंड ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर के फीचर के साथ में। एंड द लास्ट फीचर इज व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आपको सेल्टॉस में मिलेगा, जो हेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको हेक्टर में मिल जाते हैं, लेकिन वो फीचर्स आपको सेल्टॉस में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो हेक्टर ऑफर करती है, वो है 8 कलर एम्बिएंट मूड लाइट। नेक्स्ट इज हेक्टर कम्स विद पैनारोमिक सनरूफ। उसके बाद में आता है आपको 4 वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट को ड्राइवर सीट, ऑल विंडोज डाउन बाय रिमोट की, पावर टेलगेट ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन आपको हेक्टर में मिल जाएगा। हेक्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली सेल्टॉस मोर कनेक्टेड कार फीचर्स एंड वॉइस कमांड्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज फ्रंट फॉग लैंप अलोंग विद अ कॉर्नरिंग फंक्शन का फीचर भी आपको हेक्टर में मिल जाता है। हेक्टर में आपको हीटेड ORVMs मिल जाते हैं एंड 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स का फीचर भी आपको हेक्टर में देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो किया सेल्टॉस में आपको मिलती है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी और 3 साल तक का रोड साइड असिस्टेंस। वहीं हेक्टर में आपको 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी के साथ साथ 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विसेज और 3 साल के बाद में 60% बायबैक का ऑफर भी मिल जाता है। अब अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन की बात करें तो हेक्टर में आपको सेल्टॉस से बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, ज़्यादा बड़ी कार मिलती है, ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा बूट स्पेस भी मिलता है। वहीं सेल्टॉस आपको हेक्टर से 25,000 रुपये से लेकर 4,35,000 रुपये तक सस्ती होने के बावजूद भी हेक्टर में मिलने वाला लगभग हर एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपको ऑफर करती है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में हेक्टर अपनी एक्स्ट्रा प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। नो डाउट
हेक्टर में आपको बेहतर इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट मिलता है, लेकिन वजन में कम और साइज़ में छोटी होने की वजह से सेल्टॉस आपको ज़्यादा माइलेज भी ऑफर करती है। दोनों गाड़ियाँ आपको कनेक्टेड कार फीचर्स ऑफर तो करती हैं, लेकिन हेक्टर में आपको ज़्यादा बेहतर और स्मार्ट कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ मोर देन 100 वॉइस रिकग्निशन कमांड्स। ये दोनों ही कंपनियाँ भारतीय मार्केट में नई हैं और अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में लगी हैं। साथ ही किया को इतने सालों का ह्युंडई के इंडियन मार्केट के एक्सपीरियंस का भी फायदा मिल रहा है, जो कि मारुति के बाद भारत में पांव जमाने वाली एकमात्र विदेशी कंपनी है। नो डाउट यहां पर दोनों ही बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एमजी हेक्टर एक उम्दा प्रोडक्ट होने के साथ साथ अपने ग्राहकों को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहा है, जैसे कि 5 साल5 years अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, 5 years अनलिमिटेड किलोमीटर्स रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विसेज एंड 3 साल के बाद में 60% बायबैक का ऑफर। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र प्राइस डिफरेंस पर जाती है तो मुझे लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें अप टू 4,35,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करने जितनी वर्थ हैं? आई डोंट थिंक सो। इस प्राइस डिफरेंस के एवज़ में मुझे कोई भी ऐसा उम्दा या दमदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर हेक्टर में नज़र नहीं आए जो इस कीमत को जस्टिफाई कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही गाड़ियां कुछ बेहतरीन फीचर्स के साथ आती हैं, लेकिन मेरी राय में अगर आप सेल्टॉस का 1.4 लीटर पेट्रोल GTX प्लस मैनुअल वेरिएंट खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 16,29,000 रुपये है, तो इसके बदले में मैं आपको स्ट्रांगली हेक्टर का 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल शार्प टॉप एंड वेरिएंट जो हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है उसे रेकमेंड करूंगा, जो कि सेल्टॉस से केवल 25,000 रुपये महंगा आता है। इसके अलावा प्राइस गैप को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको हेक्टर का कोई भी वेरिएंट लेने की सलाह नहीं दे सकता। अब ये कम्प्लीटली आपको तय करना है कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपको कौन सी कार लेनी है, क्योंकि हेक्टर सेल्टॉस से बड़ी है लेकिन प्राइस भी काफ़ी बड़ा है। बड़ी गाड़ी के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं, वहीं सेल्टॉस छोटी है और उसके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको फैसला करना पड़ेगा। और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि इन दोनों गाड़ियों के बारे में आप क्या सोचते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक कि हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपने और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।